Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel after so long. So today I am going to make cheesecake. इसके लिए सबसे पहले आपने बिस्किट ले लेना है, कोई सा भी। मैंने यहाँ पे कैंडी बिस्किट लिया था, उसके दो पैक। उसको आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद कोई सा भी बाउल लेंगे और उसके अंदर इस मिक्सचर को डालेंगे। स्पून की हेल्प से आपने जो सरफेस है इसकी, इसको फ्लैट कर देना है और इसको हर तरफ से इक्वलाइज करना है। अब इस बाउल को आप फ्रिज में रख दें, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपने एक बाउल के अंदर 1 पैक क्रीम ले लेनी है और इसको अच्छे से व्हिप कर लेना है। व्हिप करने के बाद इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक बाउल लेना है जिसमें 3 टेबलस्पून क्रीम चीज़ लेनी है और उसको हल्के से फेंट लेना है। देन इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, पीसी हुई चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम व्हिप्ड क्रीम ऐड करेंगे जो हमने फ्रिज में रखी थी। ऐड करने के बाद हम फिर से करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। टू टेबलस्पून जेलेटिन लेंगे और उसमें गर्म पानी डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। देन जेलेटिन के मिक्सचर को हम ऐड करेंगे इसमें और फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्सचर को हम डालेंगे बाउल में। फिर इसको प्लास्टिक शीट के साथ कवर करके फ्रिज में रख देंगे फॉर 3 आवर्स। एंड देन इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। सो गाइज, द रेसिपी कम्स टू एन एंड। डू ट्राई इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।